नमस्कार, टीवी 100 में आपका स्वागत है और मैं वीरेंद्र गुप्ता इस वक्त जनपद मिर्जापुर के जिला मुख्यालय पर हम मौजूद हैं और एमएलसी का चुनाव मिर्जापुर सोनभद्र का आज 21 तारीख को अंतिम तिथि है और आज के दिन जबरदस्त तरीके से जो जिला मुख्यालय पर देखने को मिला निश्चित रूप से, हालांकि एक तरीके से शांति व्यवस्था के तहत ये प्रक्रिया है तो निश्चित रूप से आज नामांकन की प्रक्रिया बहुत ही शांति ढंग से संपन्न हो रही है। विनीत सिंह के बारे में कहा जा रहा था कि विनीत सिंह तब भारतीय जनता पार्टी का सिंबल क्लियर होगा, ये काफी देर तक असमंजस की स्थिति बनी थी, लेकिन उसके बाद जब उनके नामांकन कार्यक्रम के दौरान जब ऊर्जा मंत्री रमाशंकर सिंह पटेल का आगमन हुआ तो पिक्चर बहुत साफ हो गया। दूर तक संदेश इमीडिएट जंगल में आग की तरफ फैल के चला गया कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विनीत सिंह का आज नामांकन होना है, और उसके बाद तो मानो उनके तमाम जो समर्थक थे भारी जश्न और उत्साह देखने को मिला। फिलहाल हम इस वक्त आपको बता दें कि विनीत सिंह अभी पत्रकार वार्ता करके तुरंत बाहर निकले हैं, नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। देखना दिलचस्प है कि जिस तरीके से लोग एक आकलन कर रहे हैं कि 3000 से ज्यादा जनप्रतिनिधि, जिसमें BDC, ग्राम प्रधान और तमाम ब्लॉक प्रमुख के अलावा नगर पालिका अध्यक्ष और नगर परिषद के अध्यक्ष की आज मौजूदगी देखने को मिला, निश्चित रूप से ये चुनाव मात्र औपचारिक बन के रह गया है। अगर विनीत सिंह के समर्थकों का माने तो चुनाव एक तरफा हो चुका है, जिसको विनीत सिंह ने भी माना है। मिर्जापुर से टीवी 100 के लिए वीरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। और कहना है।